सरकार की तरफ से मसीह की पाठशाला की शुरुआत की गई और अब इसमें संस्कृत एकेडमी की तरफ से बच्चों को खेल खेल में संस्कृत सिखाई जा रही है। समर वेकेशन में बच्चे 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक स्कूल आते हैं। इसी तरह खेल खेल में संस्कृत सीखते हैं। यहाँ बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है जो संस्कृत भाषा में होती है, जिससे आसानी से वो संस्कृत भाषा को सीख सके, क्योंकि बच्चों के मन में संस्कृत भाषा को लेकर डर होता है, वो आसानी से इसे सीख नहीं पाते। इस मस्ती की पाठशाला में फन वे में बच्चों को संस्कृत सिखाई जा रही है, जिससे वो भाषा जो भारतीय संस्कृति की पहचान है बच्चे उससे अवगत हो सके और आसानी से खेल खेल में संस्कृत बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, चाहे वो अपना इंट्रोडक्शन देना हो, बॉडी पार्ट्स के नाम याद करने हो, या फिर कालिदास के गीत हो, या फिर सुबह उठ के आपको कौन सी प्रार्थना करनी है। ये तमाम एक्टिविटी इस मस्ती की पाठशाला में बच्चों को सिखाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 22 मई से हुई है और ये 22 मई से मस्ती की पाठशाला की शुरुआत हुई है। ये कुल 30 जून तक चलने वाली है, जिसमें पूरी गर्मी छुट्टी बच्चे इसी तरह से स्कूल आते रहेंगे और मस्ती की पाठशाला के जरिए खेल खेल में संस्कृत भाषा को सीखते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में, जहां आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से खेल खेल में संस्कृत सीख रहे हैं। टीचर्स यहां पर बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराती हैं, जिससे बच्चे आसानी से संस्कृत सीखे और जो भाषा भारत की पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो उसे इसी तरह एक्टिविटी में सीख सके। फिलहाल पूरी गर्मी छुट्टी तक यूँ ही जारी रहेगा और बच्चे खेल खेल में संस्कृत भाषा को सीख सकेंगे। विजय शैलेंद्र के साथ नीतू झा, आज तक।